वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको दिखाई थी कि गर्मी के मौसम में बिना एसी के आप कैसे वैक्सिंग करेंगे, अंडर आर्म का एक भी बाल नहीं रहेगा, एक टिप्स दी थी। तो आज मैं और एक शेयर करेंगी वैक्सिंग में, जो कि हम लोग आपके पास बढ़िया ज़बरदस्त टिप है। और टिप्स है, ये करने के बाद आप यकीन मानिए, आपके पास अगर वैक्सीन का टिप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है भी तो भी आप ये टिप्स कीजिए, देखिए कितना कमाल का काम करता है। वो टिप्स क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। उससे पहले जो लोग न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। तो टिप्स है, हम लोग का जो पुराना जींस है, आपका है या आपका पापा का है, आपका हस्बैंड का है, आपका भैया का है, आपका बेटे का है, जिसका भी है, पुराना हो जाता है, आप फेंक देते हैं। तो लेकिन वो चीज़, हाँ, पुराना चीज़ से हम लोग कैसे काम में लाएंगे, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर आपका जितना भी ठीक हेयर है, कहीं पर भी है, अंडर आर्म में है, लेग में है, कहीं पर भी है, लेकिन आप स्टिप की वजह से अगर ये मैं जो बताऊंगी आज इससे करेंगे तो कमाल के काम करेगा। तो वो जो पेन आप फेंक देते हैं उसे हम वैक्सिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं कितना सारा बनाई हूँ, देखिए इसको क्या फेंकने की वजह से आप बजाय आप ये छोटा छोटा स्टिप की जैसा काट लीजिए। काटने के बाद इससे ही वैक्सिंग करेंगे तो इतना बढ़िया ज़बरदस्त काम करेगा, स्टिप की ज़रूरत नहीं है, स्टिप को मारिए गोली। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इससे कैसे आप कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, अब बहुत बढ़िया मेथड है, एक भी बाल आपका नहीं रहेगा, जितना भी ठीक हेयर हो। तो चलिए दिखाते हैं कैसे हम करते हैं जींस की पैन से वैक्सिंग। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ पुराने जींस में कैसे करेंगे आप वैक्सिंग। पानी के मदद से उसको पूरा साफ कर लीजिए, जहाँ भी करना है, मैं अंडर आर्म में आपको दिखा रही हूँ, आपको जहाँ भी करना है वहाँ पूरा साफ कर दीजिए। फिर वैक्सिंग जेल को लीजिए, जिस डायरेक्शन पे आपका हेयर है आप लगाइए, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो अच्छी तरह से लगा लीजिए, और लगाने के बाद देखिए यहाँ मैं लगा चुकी हूँ। फिर ये देखिए, छोटा छोटा मैंने काट लिया था वो जींस की कपड़े को। फिर इससे करने से हम लोग को स्टिप की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है, कहीं भी आप कर सकते हैं। उसको थोड़ा प्रेस कीजिए, ज़्यादा मत रगड़िए, प्रेस कीजिए, फिर पीछे तरफ जाके उसको निकालिए। मुझे आदत है बल्कि मैं आगे तरफ निकाली, एक भी एक बार नहीं रहेगा, एक ही बार में पूरा सारा बाल आ जाएगा। देखिए मेरा सारा बाल आ गया एक ही बार में। तो उसके बाद उसको थोड़ा पानी के मदद से साफ कीजिए, जेल लगा लीजिए। तो है ना कमाल की टिप्स, तो आप भी ऐसे कीजिए। तो रहती हूँ फ्रेंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।